दीदी अभिजीत बाबू। तुम जाओ। ये सब क्या है? हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अभिजीत बाबू। जा रहे हैं? क्यों? और कोई चारा भी तो नहीं, मैं देख नहीं सकती पर इतना जान जरूर सकती हूँ। क्या जान सकती हैं? यही मेरे माथे पे जो कलंक का दाग लगा है उसको लेके मैं किसी के सामने जाने के लायक। लेकिन जो कुछ हुआ उसमें आपका तो कोई दोष नहीं। फिर भी रजनी, छुट्टी मंजूर हो गई है बेटी, कल सवेरे ही हम चल देंगे। अरे अभिजीत, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। अभी रजनी से मालूम पड़ा कि आप लोग जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपके यहाँ से चले जाने से वो केस डिसमिस हो जाएगा? क्या करूं, रजनी की तरफ देख नहीं पाता, मेरी फूल जैसी बच्ची पत्थर की मूरत बन गई है, हर वक्त रोती रहती है, उसके आंसुओं से मेरी हिम्मत टूट गई है। इसका यह मतलब है कि आप इतना बड़ा अन्याय बर्दाश्त कर जाएंगे, उसका मुकाबला नहीं करेंगे, कायरों की तरह मुंह छुपाकर चुपचाप यहां से चले जाएंगे? मैं मजबूर हूं, एक अंधी लाचार बेटी के बाप होने का दुख क्या होता है ये तुम नहीं समझोगे। अभिजीत, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं तुम्हारा कहना मान नहीं पाऊंगा, मुझे माफ कर देना। मेरे माफ करने ना करने से क्या होगा? अगर रजनी को पता चल गया कि साहू जी ने पैसे देकर आपका मुंह बंद किया है तो क्या वो कभी आपको माफ कर सकेगी? साहू जी से मैंने पैसा लिया है, ये तुम क्या कह रहे हो? साहू जी ने मुझे भी पैसे भेजे थे, मैंने उन्हें वापस कर दिए, लेकिन बाप होकर यह आपने क्या किया? नहीं नहीं अभिजीत, मैं अपनी बेटी की सौगंध खाकर कहता हूं मैंने पैसा वैसा कुछ नहीं लिया। तो फिर आप जा क्यों रहे हैं? सिर्फ रजनी के लिए। कोर्ट में केस चलेगा, वकील तरह तरह की जीरा करेगा, उल्टी सीधी बातें पूछेगा, बातें चारों तरफ फैलेंगी, बदनामी होगी। अब तुम्हें बताओ, सब कुछ सुनकर मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? कोई नहीं, सारी जिंदगी मेरी बेटी कलंक की आग में जलती रहेगी, ये मैं सह नहीं पाऊंगा, ये मैं सह नहीं पाऊंगा। सिर्फ यही बात है? हाँ। अगर कोई शरीफ लड़का आपकी बेटी से शादी करने को तैयार हो जाए तो? कहां मिलेगा ऐसे लड़का, कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? मैं करूंगा। तुम? हाँ मैं। अगर आप अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दें तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं रजनी को एक पत्नी की पूरी मर्यादा दूंगा। अभिजीत, ये तुम कह रहे हो? रजनी सुन, अभिजीत क्या कह रहा है? भगवान ने मेरी सुन ली। भगवान नहीं बाबा, नहीं, मुमकिन नहीं, ये मुमकिन नहीं, आप मुझ पर दया कर रहे हैं। नहीं रजनी, दया नहीं, पता नहीं अनजाने में मैं कब तुमसे प्यार करने लगा। मेरी जिंदगी का अभिशाप है, मैं नहीं चाहती मेरा अभिशाप तुम पर भी लग जाए। तुम्हें पाना अभिशाप नहीं रजनी, ये तो मेरा सौभाग्य है। अभिजीत, अभिजीत, रजनी, अभिजीत, रजनी। पंछियों की आवाज सुन रही रजनी, ये परदेशी पंछी बसेरे के लिए घर लौट रहे हैं। आज मुझे भी अपने घर का पता मिल गया। ऐसा लगता है मेरी जिंदगी के सुने आकाश में जैसे एक ध्रुव तारा चमक उठा है, और उस ध्रुव तारे का नाम है जी।
बत्ती बुझा दो। क्या? बुझा दो ना। बुझा दी। छूटे कहेंगे। बुझा दो ना। बुझा दी? नहीं। तुम्हें कैसे मालूम? मैं उजाले को अंदर में ही पहचान लेती हूँ, इसलिए तो आज तुम जैसे उजाले को इन आंखों ने पहचान लिया। सिर्फ पहचाना ही नहीं, आज पा भी लिया। काश मेरी आंखें होती तो जी भर के देखते। क्या देखते? एक ये मेरे देवता का रूप क्या है। रजनी, सुना तुमने, कालीराम के केस का फैसला हो गया है आज। क्या फैसला हुआ? 5 साल की सजा हुई है उसे। बहुत अच्छा हुआ। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। तैयारी कर ली? कल ही तो तुम दोनों को सोनापुर जाना है ना? हाँ बाबा, लेकिन तुम्हें अकेले छोड़ के जाने को मन नहीं करता। मेरी चिंता तू मत कर, खुशी की बात यह है अभिजीत को प्रमोशन मिला। वो सोनापुर में 4-4 थानों का इंचार्ज होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ अकेले, तुम्हारी देखभाल, तुम भी हमारे साथ चलो ना। पगली कहीं की, मैं तो बीच बीच में आता ही रहूंगा। ये क्या आंसू पोस्टर? आज तो खुशी का दिन है, मेरी बेटी अपने घर जाएगी। ऐसे समय में आंसू नहीं, मुस्कुराहट होनी चाहिए। बेटी रो मत। ये रहा हमारा छोटा सा घर। देखो, सामने एक फूलों का बागीचा है, उस पार एक नदी है और उसके पीछे पहाड़। आओ। ये कमरा? हाँ, ये हमारा ड्राइंग रूम। बहुत सुंदर है ना मकान? काश मैं देख सकती। तो क्या हुआ? तो मेरी आंखों से देखोगी? हाँ। जब भी देखता तुम इन पौधों में पानी देते रहते, क्या बात क्या है? यूं ही। यूं ही मतलब? वो तुम नहीं समझोगे। लेकिन मैं समझ गया हूँ। क्या समझ गए हो? समझ गया हूँ कि तुम चाहती हो कि इन फूलों की तरह हमारे संसार में भी एक छोटा सा हंसता खेलता फूल खिल उठे। बुधवा जी, आज काली वापस आ रहा है, हार का इंतजाम कर। बिल्कुल जी। अबे ओ फूल वाले, दो बढ़िया से हार तैयार कर, छोटे सरकार आ रहे। आइए मालिक। मुनीराम आइए, आइए शाहू जी, आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। क्यों मुनीराम, वो लाकिट तो तैयार है, आज काली जेल से छूट कर आ रहा है, हमें उसे लेने जाना है। हाँ हाँ, बिल्कुल तैयार है सरकार। आपके काम में कभी देर हो सकती है क्या? ये लीजिए। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बना है, बढ़िया बना है। जय बाबा गणेश, सिद्धिदाता गणेश, कृपा करो, बस ये आशीर्वाद दो कि इसे पहनकर काली को सुमति आ जाए। जय बाबा गणेश, जय बाबा गणेश। अब 5 साल के बाद
छोटे सरकार आए हैं, हार तो पहना। जीते रहो जीते रहो बेटा। हाय कितना दुबला हो गया मेरा बेटा, जेल में बहुत तकलीफ हुई ना। नहीं नहीं बेटा जी। माली ताबीज। हाँ ताबीज ताबीज ले बेटा, ये ताबीज पहन ले, भगवान जी तेरी रक्षा करेंगे। असली सोने का। हाँ चार तो। अब तुझे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, क्या तू घर जा, मैं प्रधान साहब से मिलकर अभी आता हूँ। बुधवा कछवा काली को घर ले जा, जा बेटा जाइए। छोटे सरकार आइए, पधारिए बैठिए। मान गए छोटे सरकार, क्या जगह पे रुक गए। अरे साला जेल से छुटकर फिर आ गया। आइए सरकार, आइए छोटे सरकार, आइए आइए आइए। जल्दी से दो बोतल मेरा पिला। आप भी लाता हूँ, आप भी लाता हूँ। साला रास्ते में बैठा। Hey, उठ उठ मेरी जगह से। क्यों क्यों, 5 साल में सब कुत्ते शेर बन गए। साला छोटे सरकार बैठी, 5 साल के बाद आए हैं, अब गर्मा गर्म से क्या फायदा। ए पापा जल्दी दारू ला। बुधवा वो अंधी लड़की और वो इंस्पेक्टर अभिजीत कहाँ इस वक्त। वो शादी के बाद ये शहर छोड़ के चले गए। छोड़िए ना छोटे सरकार उनकी बात। छोड़ दो, कुछ भी नहीं किया और 5 साल जेल में गुजार के आया हूँ और तू कहता है छोड़ दो। नहीं अरे ये क्या है, घोड़े का पिसा पिला रहे क्या। अरे जाके मेरा ब्रांड लेके बिलायती माल लेके, पैसे बाद में ले लेना। बिलायती माल नहीं है क्या साले, वो दिन भूल गया जब गाड़ी रोक रोक के विलायती माल लाके दिया करता था, आज बोलता है नहीं है। जा जा मेरा ब्रांड लेके आ, नहीं तो क्या गुंडागर्दी करोगे। 5 साल जेल की रोटियां तोड़ाए, अरे दिमाग सीधा नहीं हुआ। हरामजादे जेल का नाम लेता है। अरे हरामजादे तू काली को पहचानता नहीं। एक दो कौड़े के आदमी ने सलील किया मुझे, मुझे कहता लुट का बदमाश हुंडा, और ये सब उस हरामजादे दरोगा अभिजीत की वजह से। कसम भैरों की जहां भी होगा उसे ढूंढ निकालूंगा मैं, इस बेइज्जती का बदला लूंगा उससे।